पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों ने देश की बीजेपी विरोधी पार्टियों की न सिर्फ इम्यूनिटी को बूस्ट किया है बल्कि साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने की उनकी कोशिशों को भी बल मिला है। थर्ड फ्रंट की चाह रखने वालों के लिए कोरोना काल में पश्चिम बंगाल के नतीजे किसी संजीवनी से कम नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के संयोजक और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की अगुवाई में थर्ड फ्रंट की बात करने वाली शिवसेना की भी बांछें खिली हुई हैं। हालांकि शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता अरविंद सावंत ने एनबीटी ऑनलाइन को बताया कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता कोरोना महामारी के खतरे को जल्द से जल्द खत्म करना है, इसके बाद में ही किसी दूसरे विषय पर बातचीत शुरू हो पाएगी। कुछ महीनों पहले शरद पवार ने कहा था कि देश में अब तीसरे मोर्चे यानी कि थर्ड फ्रंट की जरूरत है। पवार ने तब यह भी बताया था कि देश के विभिन्न दलों से इस बाबत बातचीत भी की जा रही है, हालांकि इस मोर्चे का आकार कैसा होगा इस पर तब कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। फिलहाल शिवसेना की तरफ से भी यह बात कही गई थी कि थर्ड फ्रंट की अगुवाई शरद पवार को करनी चाहिए क्योंकि वो देश के सबसे सीनियर और अनुभवी नेता हैं। हालांकि शरद पवार ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि थर्ड फ्रंट का नेता पार्टी के लोग तय करेंगे, सारी पार्टियां मिलकर तय करेंगी। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की माने तो कांग्रेस ही देश में अब बीजेपी का विकल्प है और यह बात लोगों को धीरे धीरे समझ में भी आने लगी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ देश को लूटने और बर्बाद करने का काम किया है। पटोले ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां भी अपना दमखम दिखाने के लिए अलग अलग फ्रंट बनाने की बातें समय समय पर करती रहती हैं, लेकिन इसका कोई खास असर नजर नहीं आता है। थर्ड फ्रंट बनाने का असफल प्रयोग पहले देवगौड़ा भी कर चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी ने भी कहा है कि थर्ड फ्रंट बनाने का प्रयास जरूर होना चाहिए। अगर देश में नफरत फैलाने वाली बीजेपी को रोकना है तो तीसरा मोर्चा सबसे जरूरी है। इसके लिए क्षेत्रीय पार्टियों को अपने मनमुटाव भूलकर एक साथ आना चाहिए। थर्ड फ्रंट को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव भी अपनी सहमति जता चुके हैं। वहीं दिल्ली के सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी भी पवार की इस मुहिम में शामिल होने की बात कह चुके हैं। हालांकि बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर अभी भी कांग्रेस के पहलू में ही नजर आ रहे हैं। ऐसा ही हाल डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन का भी है। थर्ड फ्रंट के मुद्दे पर बात करते हुए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि शरद पवार सभी पार्टियों को एक साथ एक छत के नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक फ्रंट बनाया जा सके। यह सभी लोग बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए प्रयास करेंगे। इस थर्ड फ्रंट का नेता कौन होगा यह सभी पार्टियां मिलकर तय करेंगी। शरद पवार ने पहले ही कहा है कि उन्हें थर्ड फ्रंट का नेता बनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। आपको बता दें कि शिवसेना इसके पहले शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने की भी वकालत कर चुकी है। हालांकि इस बात का महाराष्ट्र कांग्रेस ने जमकर विरोध किया था और मुख्यमंत्री तक शिकायत की गई थी। फिलहाल इस थर्ड फ्रंट को लेकर अब एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि यह थर्ड फ्रंट जिसे बनाने की बातें बीते कई महीनों से शुरू थीं, वो आखिर बन पाता है या नहीं।